मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर में किस तरह से नशे का कारोबार बढ़ रहा है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुंब्रा शहर में नशीला पदार्थ बेचने के लिए दूसरे जगह से लोग आ रहे हैं। थाने क्राइम ब्रांच ने मुंब्रा से ऐसे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 107 ग्राम MD पाउडर और एक अग्निशस्त्र, नौजिंदा कारतूस और 3 चॉपर बरामद किए हैं, जिसकी कुल कीमत 4,23,000 रुपये बताई जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपी जो है ये दीवा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनके नाम है अभिषेक कुमार महतो, 32 साल, और दूसरे आरोपी का नाम है विजय बहादुर मडे। आपको बता दें कि मुंब्रा में इनके आने की जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिलीप पाटिल को सूत्रों से मिली थी कि दो लोग मुंब्रा वाई जंक्शन पर MD बेचने के लिए आने वाले हैं, जिसके बाद वाई जंक्शन पर पुलिस ने घेराबंदी की और नशीला पदार्थ बेचने के लिए जैसे ही ये दोनों वहां पहुंचे, इन्हें पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान इनके पास से 3,21,000 रुपये का MD पाउडर और घातक हथियार बरामद किए गए हैं, जिसकी कुल कीमत मिलाकर 4,23,000 रुपये बताई जा रही है। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट और आर्म्स एक्ट की अलग अलग धाराओं में इन पर मामला दर्ज किया गया है।